वेलकम फ्रेंड्स, हम सभी लोग हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स टॉपिक पढ़ रहे थे और हमारे पिछले वीडियो में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स के निर्माण या विरचन की विधियों को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। इसके रासायनिक गुणों को, भौतिक गुणों को पढ़ने के बाद हमने इसके रासायनिक गुणों को स्टार्ट किया था और रासायनिक गुणों में हम बोर्ड पर जितना भी चीज लिखा हुआ है ये पूरा पढ़ चुके हैं। SN1, SN2, E1, E2, रिडक्शन रिएक्शन और धातुओं के साथ अभिक्रिया। जस्ट हमारे पिछले वीडियो में हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया को पूरा किया था। आज हम इस रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, हम लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे हेलो एल्कीन की बेंजीन के साथ अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बेंजीन के साथ अभिक्रिया में जो हम लोगों की रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें हम लोगों ने क्या सीखना है कि जब हम बेंजीन की क्रिया, ध्यान से समझिएगा, देखो मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अभी उतनी बता रहा हूं जितनी अभी हमें हेलो एल्केन्स में जरूरत है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अपने आप में काफी विस्तृत रिएक्शन है, डिटेल टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर अगर कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस टॉपिक को वहां पर ज्यादा खींचूं जहां पर उसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो अभी हम यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की उतनी बात करते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। जब हम बेंजीन की रिएक्शन हेलो एल्केन से करते हैं, इसमें उत्प्रेरक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, निर्जल AlCl3। इसको हम बोलते हैं निर्जल AlCl3। ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि निर्जल AlCl3 या एल्युमिनियम क्लोराइड का ही उपयोग हमें करना चाहिए। यहां पर हम कोई और लुईस एसिड का यूज कर सकते हैं, जैसे ZnCl2, इसका भी यूज किया जा सकता है और भी उपयोग किए जा सकते हैं कैटलिस्ट के तौर पर। बट जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमें यहां पर केवल और केवल क्या चीज ले रही है, एनहाइड्रस AlCl3। ये जो कंडीशन है, अगर हम इसकी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के जगह पर ZnCl2 की प्रेजेंस लेंगे, रिएक्शन तब भी प्रोसीड करेगी। बट हम वहां पर, हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, जब हम नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें यहां पर क्या लेना चाहिए, निर्जल AlCl3। तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि जब बेंजीन की क्रिया हेलो एल्केन के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है, सॉरी एल्किल बेंजीन की प्राप्ति होती है और एल्किल बेंजीन की प्राप्ति होती है, एल्किल बेंजीन की प्राप्ति होती है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसका उपयोग, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, बेंजीन से टोलुइन। ध्यान से समझिएगा, देखिए बेंजीन से टोलुइन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, C6H6, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब हमने कहा टोलुइन मतलब मेथिल बेंजीन, ठीक है। ये जो टोलुइन है CH3 यहां लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, टोलुइन, ठीक है। ये मेथिल बेंजीन का है या टोलुइन का है एक ही चीज है, हमें बेंजीन से मेथिल बेंजीन बनाना है या टोलुइन बनाना है। इसके लिए तरीका क्या है, हम इस पर रिएक्शन किसकी करेंगे, CH3Cl की, और प्रेजेंस किसकी लेंगे, निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 की। तो इस तरह से हम लोगों को टोलुइन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम यहां पर एथिल बेंजीन लेते तो, सॉरी क्लोरो एथेन लेते तो यहां पर एथिल बेंजीन मिल जाता, अगर हम क्लोरोप्रोपेन लेते तो फिर हमें क्लोरोप्रोपेन नहीं मिलता, वहां पर हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाता। देखो फिर मैंने बताया, यहां पर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को डिटेल में नहीं ले जा रहे, आप केवल इतनी लैंग्वेज याद रखिए कि बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन से कराते हैं तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ये उसकी जनरल रिएक्शन है और ये उसका एक उदाहरण है। ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए बता दिया जिससे आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो यहां पर हमारे मोनो हेलो एल्केन के जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो अब हमारी यहां पर पूरी हो चुकी है। अब हम यहां पर बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन में जो हमारे सिलेबस में है, उसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। ध्यान से समझिएगा, एथिल ब्रोमाइड या जिसको हम बोलते हैं ब्रोमो एथेन, एथिल ब्रोमाइड या इसका नाम है ब्रोमो एथेन। ध्यान से, अब आपको मैं एक चीज बता दूं,
देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन का, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का आप जब पेपर देखोगे तो उस पेपर में आप देखिएगा लास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चंस, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं जो पांच पांच नंबर के पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चनों को देखिएगा तो एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है कि किसी एक कंपाउंड का नाम दिया होगा। सपोज दैट अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म, तो आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो और साथ में एक दो रिएक्शन उसके साथ जुड़ी रहेंगी। तो उसी तरह के क्वेश्चनों में हमारा जो मेन लॉन्ग क्वेश्चंस है उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड। देखो ये भी एक हेलो एल्केन ही है, हम जो हेलो एल्केन पढ़ चुके थे ये पूरा का पूरा वही है, बट यहां पर हमें स्पेशली किस चीज को फोकस करना है, ब्रोमो एथेन को या एथिल ब्रोमाइड को फोकस करना है। और इसका क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो। तो हम उस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से करते हैं, हम इसके आगे उस टॉपिक को देखते हैं। देखिए हम लोग अब बोर्ड के उस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पांच नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एक कंफर्म है, ये आता है इस तरह के, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये लगभग 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे और उसमें से दो पांच पांच नंबर के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर करना सीख लेंगे, एक बार पैटर्न समझ लेंगे, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, टॉपिक का नाम है एथिल ब्रोमाइड, ये हेलो एल्केन ही है। हेलो एल्केन के अंतर्गत हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, या जिसको हम बोलते हैं ब्रोमो एथेन। देखिए ब्रोमो एथेन का क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, प्रयोगशाला में मतलब लेबोरेटरी में एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करो, मतलब आपको चित्र बना करके और फिर उसका मेथड का डिस्कशन करना है कि कैसे उसको बनाया जाता है, और उसके साथ में एक पुंछल्ले के तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन लगा रहता है। मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है कि क्या होता है जब ब्रोमो एथेन की क्रिया शुष्क ईथर विलायक की उपस्थिति में जिंक धातु से कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखा जाता है, आप उस आंसर को एक बार समझ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सिद्धांत, ये क्वेश्चन पांच नंबर में आता है, 5 मार्क्स में है। इसमें से पहला एक नंबर का रहता है सिद्धांत, उसके बाद एक नंबर का रहता है चित्र, और उसके बाद एक नंबर की रहती है विधि, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इसके साथ लगे होते हैं उनकी नंबरिंग दी होती है। एक्चुअली ये 5 नहीं लिखा रहता, ये लिखा रहता है 1+1+1+1+1, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत की, आप अपनी पेन कॉपी लेकर के इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत में आप याद रखिए कि जो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल, इसके साथ हम दो चीजें मिलाते हैं, एक मिलाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा क्या मिलाते हैं KBr। ठीक है, ध्यान से समझना है, तीन चीजें मिलानी है, क्या क्या मिलाना है, C2H5OH मिलाना है, एथिल अल्कोहल मिलाना है, और उसमें क्या मिलाना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है, और उसके साथ में क्या मिलाना है पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाना है, KBr मिलाना है। ठीक है, तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे, इसको जब हम गर्म करेंगे तो रिएक्शन होगी एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा C2H5Br मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमो एथेन। और साथ में कुछ कंपाउंड और भी मिलेंगे, एक कंपाउंड का नाम है KHSO4, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, नाम लिख लीजिएगा, और एक पदार्थ और भी बनेगा, वो पदार्थ होगा H2O। ठीक है, वो पदार्थ होगा H2O। इस तरह से ये तीन कंपाउंड्स बनते हैं। ये जो रिएक्शन है ये सिद्धांत है, बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये दो पार्ट में होती है। इसमें स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या होता है कि जो KBr है पोटेशियम ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन होती है H2SO4 से, और H2SO4 से होने के बाद हमको मिलता है KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट
और साथ में क्या मिल जाता है HBr जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये मिल जाता है ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाता है। ये स्टेप नंबर वन है। उसके बाद स्टेप नंबर टू, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो बनने वाला HBr है ये एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, C2H5OH जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा HBr के साथ, और रिएक्शन करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा C2H5Br मिल जाएगा, C2H5Br मिल जाएगा और साथ में H2O मिल जाएगा। ये दो स्टेप रिएक्शन है। अगर इन दोनों स्टेप्स को हम जोड़ दें तो KBr HBr से HBr कट जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा C2H5OH लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है, KBr लिखा हुआ है, गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। इस तरह से ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया है ये हमारा पूरा सिद्धांत है। एक्चुअली जगह कम होने की वजह से मैंने रिएक्शन को मोड़ के लिख दिया है। आप अपने पेज पर सबसे पहले क्या लिखेंगे सिद्धांत, चित्र नहीं बनाएंगे, पहले लिखेंगे सिद्धांत। इस सिद्धांत को लिखने के बाद आप सिद्धांत को एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या सिद्धांत है, सिद्धांत में पहले लिखी जाती है लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड को एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें ब्रोमो एथेन की प्राप्ति होती है। क्या लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब पोटेशियम ब्रोमाइड को एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया दो पदों में होती है, पहला पद लिखेंगे दूसरा पद लिखेंगे दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद ये आएगा, यहां पर हमारा सिद्धांत पूरा हो जाएगा। अब सिद्धांत जब हम लोग लिख चुकेंगे उसके बाद फिर दूसरी हेडिंग आएगी चित्र, या फिर उसका नाम होगा उपकरण। ठीक है, तो चित्र क्या चीज है, वो चित्र आपके सामने बना हुआ है, इस चित्र को पहले आप देख लीजिए क्योंकि इसी चित्र से हमारी भाषा आ जाएगी और वो हमारा तीसरा स्टेप होगा, और वो भाषा क्या है निर्माण की विधि। तो निर्माण की विधि क्या है उसको लिखने से पहले आप इस चित्र को समझ लीजिए। देखो चित्र में क्या चीज है, सबसे पहले ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसको हम क्या बोलते हैं आसवन फ्लास्क है। अब ऐसे फ्लास्क को हम क्या करते हैं स्टैंड पर कस लेते हैं, ये जो स्टैंड है इस पर हमने एक नट लगा करके इसको कस लिया, और इस फ्लास्क में हमने ये एक संघनित्र का एक सिरा जोड़ दिया। ये संघनित्र का मतलब जो गैस को ठंडा कर दे और जो द्रव में बदल दे उसको हम क्या बोलते हैं संघनित्र, या इसको बोलते हैं कंडेंसर। तो यहां पर हमने संघनित्र का एक सिरा जोड़ दिया और संघनित्र के दूसरे सिरे को किससे जोड़ दिया एडेप्टर से ग्राही द्वारा। एडेप्टर मतलब मोड़ने वाली चीज, ये मोड़ दे रहा है आगे, इसको बोलते हैं एडेप्टर, और ये जो जहां पर इकट्ठा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं रिसीवर, या इसको बोलते हैं ग्राही। तो हमने क्या किया एक आसवन फ्लास्क लिया उसको स्टैंड पर कस लिया, और आसवन फ्लास्क को अगर हम सीधा गर्म करेंगे तो आंच की वजह से वो टूट जाएगा, इसलिए हम पहले जाली लगाते हैं और उस जाली के ऊपर जैसे मूंगफली सेकने के लिए हम रेत में यूज करते हैं ना, उसी तरह से एक पॉट लेंगे जिसमें बालू भरी होगी, पहले वो बालू गर्म होगी तब जाकर के ये फ्लास्क गर्म होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं रेत ऊष्मक। तो हमने हमारी भाषा क्या निकल के आने वाली है कि एक आसवन फ्लास्क को स्टैंड पर कस लेते हैं, आसवन फ्लास्क के ऊपरी सिरे से जल संघनित्र, देखो जल भरा हुआ है इसमें, यहां से जल जाता है ऊपर से जल निकलता है, यहां से ठंडा जल जाता है ये गर्मी अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऊपर से जो गर्म जल निकलेगा इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और अंदर जो गैस है वो द्रवित हो जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं जल संघनित्र। तो हमारी भाषा क्या हो गई कि आसवन फ्लास्क लेते हैं उसको स्टैंड पर कस लेते हैं, आसवन फ्लास्क के ऊपरी सिरे का संपर्क जल संघनित्र के एक सिरे से कर देते हैं, जल संघनित्र के दूसरे सिरे का संपर्क एडेप्टर द्वारा ग्राही से कर देते हैं, इस आसवन फ्लास्क को रेत ऊष्मक पर रखकर जाली रेत ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, गर्म करने पर सिद्धांत अनुसार अभिक्रिया होती है, ये सिद्धांत है प्रिंसिपल है उस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया होती है और क्या मिलता है ब्रोमो एथेन मिलता है, KHSO4 मिलता है और जल मिलता है। KHSO4 तो सॉलिड है इसलिए यही रह जाता है, दो चीजों की वाष्प बननी है, एक तो है एथिल ब्रोमाइड और दूसरा है H2O, तो ये एथिल ब्रोमाइड और H2O इन दोनों चीजों की वाष्प बनती है, इनमें से कुछ H2SO4 तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल किसका काम करता है निर्जलीकारक का काम करता है, इसलिए थोड़ा बहुत जल तो H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ जो जल है और एथिल ब्रोमाइड है ये गैस के रूप में ऊपर उठेगा संघनित्र में आएगा ठंडा हो जाएगा लिक्विड के तौर पर बूंद बूंद करके हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर दो लेयर होगी, ब्रोमो एथेन थोड़ा भारी होता है इसलिए नीचे रहेगा, जल थोड़ा हल्का होता है ऊपर रहेगा, इन दोनों
द्रवों को हम एग्जैक्टली देख सकते हैं और पृथककारी कीप जिसको हम बोलते हैं पृथककारी कीप उसकी सहायता से हम जल को अलग कर लेंगे और ब्रोमोएथेन को अलग कर लेंगे। इस तरह से हमको ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड की लास्ट में प्राप्ति हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सचित्र वर्णन करो, मैंने बता दिया। ये जो मैंने भाषा बोली है ये यहां लिखना है, यहाँ विधि में आप ये पूरी भाषा लिख दोगे कि फ्लास लिया फिर ऐसा ऐसा किया, जो भी मैं बोला हूँ वो सब इस पे यहाँ लिख दोगे। उसके बाद हम आते हैं लास्ट पे कि जब ब्रोमोएथेन की क्रिया, देखो ये ब्रोमोएथेन की क्रिया शुष्क ईथर विलायक की उपस्थिति में जिंक धातु से कराते हैं, आपको शायद याद आ रहा हो। ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में समीकरण हमने क्या सीखा था, CH3CH2Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोएथेन। और इस पर हम जिंक धातु की रिएक्शन करते हैं, जिंक धातु की रिएक्शन करते हैं तो, और यहां क्या लेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं और जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, डाई एथिल जिंक C2H5 का होल ट्वाइस Zn, इसको हम बोलते हैं डाई एथिल जिंक। और साथ में क्या मिल जाता है, ZnBr2 मिल जाता है, जिंक ब्रोमाइड मिल जाता है। और इस रिएक्शन का नाम आप सभी लोगों ने सीख रखा है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे साथ में पुंछल्य के तौर पर जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है ये हो, ऐसे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो सारी रिएक्शन जो आप ब्रोमोएथेन पर लगा चुके हो वो मोस्टली रिएक्शन यहां पर सब लगेगी, उसका मैं अगले वीडियो में एक फ्लोशीट बना रहा हूं, वो कहलाएगा एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधि और उसके रासायनिक गुण, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक फ्लोशीट बनाते हैं। अगर उससे आपको सारी की सारी रिएक्शन एक बार रिकॉल हो जाएगी, आप सब पिछली रिएक्शन अगर पढ़े रहोगे तो आप फटाफट इन चीजों को जल्दी जल्दी कैच कर ले जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।